हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे रिमूव कर सकते हैं एज रिस्ट्रिक्शन, वो भी यूट्यूब से। तो गाइस, प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार आपके जो रिकमेंडेड वीडियोस हैं ना, उसमें वो 18 प्लस या एज रिस्ट्रिक्शन वाली वीडियोस आ जाती हैं। तो वो गाइस आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर आपके साथ कोई हो तो फिर भी आपको अच्छा ना लगे। तो गाइस उसे रिमूव कैसे करना है, तो गाइस आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इसके लिए जाना है यूट्यूब में। गाइस ये लोड हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो गाइस उसके बाद आपको सर्च के बाजू में जो ये वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आइकॉन होगा आपके चैनल का, उस पर। उसके बाद गाइस आपको फोर्थ नंबर का आप देख सकते हैं सेटिंग्स है, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे जनरल है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइस फिर आप देख सकते हैं कि ये सिक्स टाइप पे है, इसमें फिफ्थ नंबर का है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस ये अभी है ना ऑन हो गया है। अभी आप कि यूट्यूब सर्च में आप सर्च करेंगे तो भी एज रिस्ट्रिक्शन वीडियो नहीं आएगा, और वैसे और रिकमेंडेड में भी नहीं आएगा। गाइस अगर आप इसे बंद कर दें तो वापस आना चालू हो जाएगा। तो गाइस मैंने अभी इनेबल कर दिया है। अभी आप भी गाइस जैसे इनेबल कर देंगे तो आपका कोई एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं आएगा। गाइस ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है अगर आप किसी के साथ देख रहे हो, अपने भाई या बहन के साथ, और वहाँ पर अगर रिकमेंडेड वीडियोज़ में एज रिस्ट्रिक्शन वीडियो आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके भाई बहन देख लें। तो गाइस इस ट्रिक से आप आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन वीडियोस को आप अगर ना चाहें तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। नहीं अगर रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।